नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ज्योतिष ज्ञान चैनल में। यह भारत में सर्दियों का अंत और बसंत ऋतु के आगमन वाला त्योहार माना जाता है और इस दिन लोग रंगों से खेलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बधाई देते हैं और इस समय हर व्यक्ति की इच्छा एक नई शुरुआत की होती है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका यह त्योहार इस प्रकार का हो कि उसके बाद उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाए। तो दोस्तों, यह त्योहार आपके लिए कुछ ऐसा ही बड़ा बदलाव लेकर आएगा। आपको बता दें कि होली का जो त्योहार होता है यह एक पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ त्योहार है। पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम का एक क्रूर राजा था जिसके पुत्र का नाम भक्त प्रहलाद था। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त माने जाते थे। भक्त प्रहलाद को खत्म करने के लिए हिरण्यकश्यप ने होलिका नामक अपनी बहन को अपने पुत्र को अपनी गोद में बिठाने के लिए कहा जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाए, क्योंकि होलिका को इस प्रकार का वरदान प्राप्त था कि किसी भी प्रकार की आग होलिका को नहीं जला सकती है। इसीलिए हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अगर होलिका मेरे पुत्र को अपनी गोद में लेकर बैठेगी तो होलिका का कुछ नहीं होगा और भक्त प्रहलाद जल जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और होलिका ही जलकर मर गई, लेकिन भक्त प्रहलाद का कुछ भी बाल बाका नहीं हुआ। तभी से होली का त्योहार मनाया जाता है। वैसे तो होली के त्योहार में कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं जिनसे कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे अचूक उपाय बताऊंगी कि उन उपायों को करने के पश्चात आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जय विष्णु जरूर लिखें जिससे कि प्रभु हरि की कृपा सदा सर्वदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, होली के दिन गाय को एक चीज आप चुपके से खिला दें, उसके बाद आपके घर में धन का आगमन इतनी तेजी से होने लगेगा कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। वैसे तो इस धरातल पर हर जीव जंतु पेड़ पौधे वनस्पतियों में ईश्वर का वास माना जाता है। जिस प्रकार से सभी भगवानों की अपनी अपनी सवारी है, जैसे कि गणेश भगवान जी की सवारी मूसक है, भगवान विष्णु जी की सवारी गरुड़ है, उसी प्रकार से भगवान शिव जी के गले में आपने नाग को देखा होगा। इसी प्रकार माता दुर्गा की जो सवारी है वह शेर है। इसी प्रकार से दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में गाय को जो महत्व दिया गया है वह सर्वोपरि है। गाय को सृष्टि की माता के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, भगवान कृष्ण को सबसे बड़ा गो सेवक माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूरी जीवन काल में गो सेवा को बहुत अधिक महत्व दिया है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं और जो भी व्यक्ति गो माता की सेवा पूरी सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ करता है तो उस व्यक्ति का पूरा पाप कष्ट नष्ट हो जाता है और उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी कोई कलेश नहीं रहता है, उसे सफलता की प्राप्ति होती है। यदि आपके जीवन में धन आने के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं, आप परेशानियों से मुक्त ही नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको गाय की सेवा करनी चाहिए। धर्म पुराणों के अलावा विज्ञान ने भी इस बात को साबित किया है कि गौ माता के दूध में स्वर्ण तत्व भी मौजूद होते हैं जो कि किसी भी प्रकार के रोग को दूर करने में कारगर साबित होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से कोई तीर्थ करने नहीं गया लेकिन उसने अपने जीवन काल में गाय की सेवा की है तो आप यह मान के चलिए कि उसने सारे तीर्थ कर लिए। शास्त्रों में तो यह भी बताया गया है कि जो भी व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यदि आपके घर में किसी भी सदस्य की कुंडली में पितृदोष है, शुक्र नीच राशि में बैठा हुआ है और अगर वह व्यक्ति गौ माता की पूजा कर लेता है, सच्चे हृदय से उनकी सेवा कर लेता है तो उसे सभी प्रकार के दोषों से छुटकारा मिल जाता है। तो ऐसे में यदि आप गौ माता की सच्चे हृदय से सेवा कर लेते हैं तो आपको आपके सभी प्रकार के दोषों से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, ठीक उसी प्रकार से गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास माना जाता है और गौ मूत्र में माता गंगा का वास माना जाता है।
अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है तो वहाँ पर गाय का गोबर और गोमूत्र लाया जाता है। इसके बिना कोई भी शुभ कार्य अधूरा माना जाता है। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है काफी महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप होली के दिन गाय को एक चीज खिला देंगे तो आपके जीवन में हमेशा धन आता रहेगा, कभी भी आपको धन की कोई समस्या नहीं होगी। जो लोग कर्ज की समस्या से परेशान हैं, कर्ज की समस्या से मुक्त ही नहीं हो पा रहे हैं। अगर आपने पिछले जन्म में या फिर वर्तमान जन्म में जाने अनजाने में कोई पाप कर दिया है तो आपको इन सभी पापों से मुक्ति भी मिल जाएगी और निश्चित ही आपको तेज गति से सफलता की प्राप्ति होगी। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में विस्तार पूर्वक यह सब बताया गया है कि आप होली के दिन अगर पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ दान पुण्य स्नान जैसे कार्य करेंगे तो बाकी दिनों के मुकाबले इस दिन आपको पुण्य की अधिक प्राप्ति होगी और जीवन सुखमय तरीके से गुजरेगा। आइए अब जान लेते हैं कि वो ऐसी कौन सी अद्भुत चीज है जिसको कि आप गौ माता को खिलाएंगे और आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। तो दोस्तों, आप होली वाले दिन गौ माता को तिल के लड्डू खिलाएं तो दोस्तों इससे आपके पिछले और वर्तमान जन्म के सभी पाप कट जाएंगे। और अगर आप होली वाले दिन गौ माता को 5 या 7 तिल के लड्डू खिला देंगे तो आप विश्वास करिए, आपके जितने भी पाप थे, जितने भी आपके चारों तरफ नेगेटिविटी थी, वह तुरंत ही समाप्त हो जाएगी और आपको आपके जीवन में एक अद्भुत बदलाव देखने को मिलेगा। यानी कि आपके अंदर और आपके चारों तरफ कभी भी किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति वास नहीं करेगी। दोस्तों, अगर आप संतान प्राप्ति के लिए बहुत परेशान हैं, आप एक अच्छे पुत्र और पुत्री की प्राप्ति के लिए कई तरह के उपाय कर रहे हैं लेकिन आपको उससे कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, तो आपको केवल और केवल इतना करना है कि आप गौ माता को जौ खिलाएं। जब आप जौ गौ माता को खिला देंगे तो ऐसे में आपको पुत्र या पुत्री जिस भी प्रकार की संतान की प्राप्ति होगी वह अत्यंत ही प्रतिभाशाली और विद्वान होगी। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपको ब्रह्म ऊर्जा की प्राप्ति हो, उत्तम आरोग्य की प्राप्ति हो, अर्थात यदि आप लंबे समय से बीमार अवस्था में हैं, कोई बीमारी आपको जकड़ चुकी है और आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही है, तो केवल और केवल आपको यह करना है कि आप एक बाल्टी पानी में 11 चम्मच शक्कर मिलाएं और यह गौ माता को दे दें। अगर गौ माता सारा पानी पी लेती है तो आप समझ जाइए कि जो भी बीमारी आपको परेशान कर रही है वह अब आपसे पूरी तरह से दूर होने वाली है और आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है और साथ ही साथ धन के स्रोत भी बनने लगेंगे। तो इसीलिए होली के दिन हमने आपको जिस भी चीज को इस वीडियो के माध्यम से बताया है उनमें से आप किसी भी चीज को गाय को जरूर खिलाइए और अपना जीवन सुखमय बनाइए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो के माध्यम से अपने जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे और अपना जीवन खुशहाल तरीके से जिएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे पुनः भेंट होगी एक नई वीडियो में किसी नई समस्या के समाधान हेतु। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।